दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में बताने वाला हूं जो अपने खेल और अपनी खूबसूरती के जरिए करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। जितना उसने खेल में नाम कमाया उतना ही ज्यादा उसका विवादों से नाता रहा है। खेल के साथ साथ उसके अय्याशी के चर्चे भी काफी मशहूर हैं, लेकिन खेल की आड़ में उसके सारे गंदे काम कहीं छिप से गए और आज वो एक रिस्पेक्टेड भारतीय खिलाड़ी बनी हुई है। और वो खिलाड़ी है टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, जो मौजूदा दौर में भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा नाम बन चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की वाइफ जो हैं। आज इस वीडियो में हम इनके जीवन के कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में जानेंगे जिसके बाद कम से कम भारतीय लोगों को पता चलेगा कि यह महिला इतनी भी सीधी नहीं है जितनी की इसने अपनी इमेज बना रखी है। इनके लाइफ में भी इतने सारे विवाद जुड़े, इतने सारे अफेयर्स की लिस्ट है जिन्हें जानकर आप शायद अपना होश खो बैठोगे। तो आइए नजर डालते हैं टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा की जिंदगी पर। दोस्तों सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। सानिया के पिता का नाम इमरान मिर्जा है जो एक खेल पत्रकार थे और उनकी माँ एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करती थी। सानिया की एक छोटी बहन है जिनका नाम है आनम मिर्जा। सानिया के अब्बू जान पत्रकार बनने से पहले कॉलेज लेवल पर क्रिकेट खेल चुके थे और साथ में टेनिस भी खेल चुके थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए थे और ना ही वो स्टेट लेवल तक पहुंच पाए। सानिया ने 10th क्लास तक की पढ़ाई रेगुलर से की थी और उसके बाद में सिर्फ डिग्रियां लेने का ही काम किया, जैसे आज के समय में सानिया मिर्जा ग्रेजुएट कहलाती हैं। इनके पिता अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए थे तो उन्होंने अपना सपना उस पर थोप दिया और सानिया को 6 साल की उम्र से ही टेनिस खिलाना शुरू किया ताकि सानिया एक बड़े लेवल की टेनिस खिलाड़ी बनकर उसके पिता का नाम पूरा कर सके। सानिया के पिता न सिर्फ एक खेल पत्रकार थे बल्कि ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो कई तरह के खेलों से जुड़े हुए थे। सानिया ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में विश्व जूनियर टेनिस चैंपियनशिप से की थी। इसके बाद इसने कई टूर्नामेंट खेले और सफल भी हुई। साल 2004 और 5 आते आते सानिया मिर्जा एक बड़ा नाम बन चुकी थी। सानिया ने 1999 से लेकर 2005 तक अपने खेल से ही नहीं बल्कि अपने एक विवाद की वजह से भी खूब सारी चर्चाएं बटोरी थी। दरअसल सानिया को उसके पिता खुद कोचिंग देते थे, लेकिन सानिया के पिता टेनिस के बहुत बड़े जानकार नहीं थे और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं थे। उन्होंने अपनी मदद के लिए और अपनी बेटी को प्रशिक्षित करने के लिए सईद अंसारी नाम के स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी को अपने साथ में रखा हुआ था, जो सानिया को उनकी टीन एज से ही टेनिस की बारीकियां तो सिखा ही रहा था, साथ ही अंदर सानिया को प्रेम क्रीड़ा में भी निपुण बना रहा था। साल 2000 और 2001 में सईद और सानिया का अफेयर अपने चरम पर था। उस समय सानिया मात्र 16 साल की थी और सईद की उम्र 38 साल थी। जी हां, इनसे दुगने से भी ज्यादा उम्र का था सईद। क्योंकि उनका कोच बना हुआ था इसलिए वो सानिया के साथ सभी जगह टूर पर जाया करता था, जहां पर रात में उसके साथ अलग खेल खेला करता था। धीरे धीरे इस बात की खबर सानिया के पिता को भी लगने लगी थी। सानिया के पिता ने जब चुपके से इन दोनों पर नजर रखनी शुरू की तो एक बार इन दोनों को रंगे हाथों होटल के कमरे में रासलीला करते हुए पकड़ लिया। तब सानिया के पिता ने सईद को काफी खरी खोटी सुनाई और उसे सानिया से दूर रहने को बोला, क्योंकि सईद उस समय न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि सानिया की उम्र जितनी उसकी एक बेटी भी थी जो खुद एक टेनिस प्लेयर थी। सईद और सानिया के कारनामे इनके पिता के सामने आ जाने के बाद इनके पिता ने सानिया को समझाया कि अगर वो टेनिस में अपना मकाम हासिल कर लेती है तो जिससे भी निकाह करने को कहेगी वो उसी से निकाह करवा देंगे, फिर चाहे वो 38 साल का सईद अंसारी हो या फिर कोई बाप भाई उम्र का व्यक्ति। इसके बाद सानिया ने अपना सारा ध्यान टेनिस की तरफ झोंक दिया। साल 2005 में सानिया को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। साल 2005 में सानिया मिर्जा का अफेयर अपने बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा से शुरू हो गया। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी और जल्दबाजी में शादी की तैयारियां शुरू की जा रही थी, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि सानिया मिर्जा सोहराब मिर्जा से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन तभी खबर आई कि सानिया का अफेयर टेनिस प्लेयर महेश भूपति के साथ में शुरू हो गया है। हालांकि महेश भूपति और सानिया की एज में लगभग 12 साल का अंतर था। महेश भूपति पहले से ही एक सक्सेसफुल शादीशुदा लाइफ जी रहे थे। महेश भूपति के बाद में सानिया का नाम जुड़ा साउथ के फिल्म एक्टर नवदीप पल्लापोलू के साथ में। इन दोनों को अक्सर लेट नाइट पार्टीज में एक साथ देखा जाता था और ये होटल्स में भी एक साथ दिखाई देते थे।
इन दोनों के अफेयर्स की चर्चा मीडिया में काफी होने लगी। उस समय तक सानिया मिर्जा टेनिस खेल जगत में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। नवदीप के अलावा सानिया ने रशियन टेनिस प्लेयर मराट साफिन के साथ में भी काफी ज्यादा होटल के चक्कर लगाए थे। दरअसल मराट पर सानिया बचपन से ही फिदा थी, तो सानिया जब खुद भी फेमस हो गई तो उसने साफिन से अपने दिल की हाल बयां कर दिया और दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। लेकिन दोनों के देश अलग थे और यही वजह था कि दूर का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता जल्दी टूट गया। साफिन के बाद सानिया ने हाथ आजमाया बॉलीवुड में। जी हाँ, दरअसल 2008 में सोशल मीडिया खबरों के मुताबिक सानिया और शाहिद कपूर को होटल के कमरे में देखा गया था और उस होटल के वेटर ने यह बात खुद कबूल की थी कि सानिया अक्सर शाहिद कपूर के साथ उस होटल में रुकती थी और वो कमरे के अंदर शाहिद को टेनिस की बारीकियां सिखाया करती थी। लेकिन सानिया ने शाहिद को कुछ ज्यादा ही गहराई से ज्ञान दे दिया था, जिसे खुद सानिया और शाहिद कुछ समय के बाद में इन दोनों का एक दूसरे से मोह भंग हो गया। शाहिद कपूर के बाद सानिया को भारतीय लड़कों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब सानिया का भी वो दिन नजदीक आ गया जब सानिया की इस जिंदगी का अंत हो गया। दरअसल सानिया का छठवां अफेयर चला पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ। हालांकि शोएब मलिक उस समय शादीशुदा था, इसकी पहली शादी साल 2002 में हुई थी, लेकिन सानिया से अफेयर की वजह से शोएब ने अपनी पहली वाइफ को तलाक दे दिया था और तलाक के सिर्फ 4 दिन के बाद ही इन दोनों ने साल 2010 में निकाह भी कर लिया था। सानिया का पाकिस्तानी प्लेयर से निकाह करना देश के लोगों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आया था और उस समय उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। ये मुद्दा काफी समय तक मीडिया में छाया रहा है कि सानिया टेनिस में भारत को रिप्रेजेंट करती है और वो भी दूसरे देश यानी कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के व्यक्ति से निकाह करके वो कौन सा संदेश देना चाहती है। इतना ही नहीं, उस समय पूरा भारत अपने देश की बेटी सानिया मिर्जा के साथ नहीं था बल्कि पाकिस्तान की बेटी और शोएब मलिक की पहली पत्नी के साथ में खड़ा हुआ था, जिसे सानिया मिर्जा पर उसकी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ने का आरोप भी लगाया था। लेकिन सानिया प्रसिद्धि के नशे में इतनी चूर हो चुकी थी कि उसे खबर कहाँ था कि किसका घर उजाड़ रही हैं। इसलिए उन सभी आरोपों को और ट्रोलर्स को नजरअंदाज करना ही ठीक समझा और अपना सारा फोकस अपनी हनीमून यानी शादी पर रखा। इसमें कोई शक नहीं कि सानिया मिर्जा एक टैलेंटेड प्लेयर है और वो दिखने में भी काफी आकर्षक है, लेकिन उसने इन्हीं बातों का फायदा अपनी अय्याशी के लिए भी इस्तेमाल किया, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। और यही वजह रही कि सानिया मिर्जा के लाइफ में विवाद भी जुड़ते चले गए। ढेर सारे अफेयर्स के साथ सानिया मिर्जा का नाम क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ में भी जुड़ चुका था। सानिया और युवराज सानिया की शादी से पहले साल 2007 में ये रिलेशनशिप में थे। बाकी रिश्तों की तरह ही इन दोनों का रिश्ता भी काफी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इसके अलावा दोस्तों, सानिया पर देश के तिरंगे के अपमान का भी आरोप लग चुका है, उसके लिए काफी अपमानित भी किया गया था। दरअसल साल 2008 में सानिया मिर्जा का एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें सानिया मिर्जा उस मेज पर रखे तिरंगे के सामने अपने पैर रखकर बैठी थी। ये तस्वीर देखकर देशभक्तों को सानिया पर काफी गुस्सा आया था कि वो प्रसिद्धि के चकाचौंध में देश का अपमान करने में लगी हुई है। लोगों का कहना था कि पैसे और शोहरत मिलते ही वो तिरंगे को भी अपने से छोटा मान रही है। सानिया ने भी इस विवाद पर कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप रही। अब चुप्पी साधना उसकी मजबूरी थी कि उसे उसके ऐसे कारनामों पर बयान देने के ऑर्डर नहीं मिल रहे थे या फिर वो अपना घमंड दिखा रही थी। खैर, सानिया मिर्जा ही जाने। साल 2005 में दोस्तों सानिया के खिलाफ एक फतवा भी जारी किया गया था। दरअसल जमात इस्लामिक हिंद एक संगठन है जिसने इसके खिलाफ फतवा जारी किया था और फतवा जारी करने का वजह ये था कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में जाना हराम है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि सानिया मिर्जा जानबूझकर छोटे और टाइट कपड़ों में टेनिस खेलती हैं, तो उस इस्लामिक संगठन को इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से उन्होंने सानिया मिर्जा पर फतवा जारी कर दिया। इस पर हालांकि चारों तरफ से इस्लामिक संगठन को गालियां ही मिल रही थी। संगठन की तरफ से बाद में ये बयान आया था कि हम खेल के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसे ड्रेस कोड का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद सानिया मिर्जा का भी बयान आया कि मेरी जो मर्जी होगी वो मैं कपड़े पहनूंगी, मुझे कोई नहीं बता सकता है मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। वैसे सच बात भी है, सानिया की इस तेवरों को तो भारत ने झेल लिया, लेकिन साल 2010 के बाद सानिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू बन गई। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती भारत से टेनिस खेलती रही क्योंकि भारत से उसे दौलत शोहरत मिल रही थी। हालांकि कुछ सालों से मोहतरमा ने खेलना बंद कर दिया है और अब यह पाकिस्तान की बहू बन चुकी है, तो अब वो छोटे छोटे कपड़े अपनी मर्जी से नहीं पहनती हैं, बल्कि पूरा बुरखा पहनकर रहती हैं, वो भी जबरदस्ती।
हालांकि वो भारत से जाने के बाद भी हर महीने हर साल करोड़ों रुपए की इनकम करती है खुद को भारतीय बताकर। अब यूं कि सानिया मिर्जा अभी भी भारतीय बनी हुई है, इसलिए उसे साल 2016 में भारत के पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अब सानिया अपने संन्यास की घोषणा भी कर चुकी है और इस साल के अंत तक वो संन्यास ले लेंगी। इसके बाद वो कट्टर पाकिस्तानी बहू के रूप में दुनिया के सामने बुरखे में पेश होंगी। निकाह करना सानिया का निजी फैसला था, लेकिन शादी करके भारतीय बनकर यहाँ से दौलत कमाना देश के लोगों के साथ में एक फरेब है। हालांकि आज की डेट में सानिया शोएब का एक बेटा भी है और ये भारत से बाहर ही रहते हैं। सानिया ने शादी मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही कर ली थी और 23 साल की उम्र में उसने आधा दर्जन अफेयर्स के साथ एक सगाई तोड़ने और एक बार ऑपरेशन करने का काम भी निपटारा किया था। अब ऐसा नहीं कि सानिया शोएब के साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं, बल्कि इस साल 2021 में एक खबर भी चर्चा का विषय बनी थी कि सानिया शोएब से तलाक लेंगी क्योंकि शोएब का अफेयर किसी दूसरी महिला के साथ में चल रहा है। लेकिन ये खबर जितनी तेजी से उछाली गई थी उतनी ही तेजी से दबा दी गई। तो दोस्तों ये था सानिया मिर्जा का इतिहास, सच्चाई। आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।